ये इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई मनोज दे यूट्यूबर कौन है जानते हो? नहीं भाई, यूट्यूब में 6 मिलियन सब्सक्राइबर है उनका। वार्निंग आया है टोटल वीडियो डिलीट करने का। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि छोटा यूट्यूबर बोले तो भाई चलो इग्नोर किया जाए बात को, लेकिन एक बड़े यूट्यूबर्स वो भी 6 मिलियन और टेक कम्युनिटी का सबसे बड़ा गुरु अगर बोल दे तो भाई फिर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को यही चीज बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ये क्लिप देख लो। डॉलर बन ही नहीं रहा, मतलब वीडियो तो चल रहा है, वीडियो पे ऐड नहीं चल रहा है और पैसा, कोई भी पैसा यूट्यूब नहीं दे रहा। मैं ट्विटर पे एक ट्वीट भी कर रहा हूँ यूट्यूब इंडिया को टैग करके, आप उस ट्वीट को रिट्वीट कर देना। गाइस, मनोज भैया ने खुद इस वीडियो में बताया है कि अभी उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, यूट्यूब को, और यूट्यूब इंडिया से उन्होंने कंप्लेन किया, जो हम लोग का जो डाउन हो रहा रेवेन्यू उसका कंप्लेन किया है। तो गाइज, उससे पहले मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था। लोग सब लोग जितने भी टैग क्रिएटर हो सबको मिल के हम लोग को यूट्यूब को देना पड़ेगा कुछ नोटिस। अभी तो हम लोग अपना कैंपेन चलाएंगे, इसलिए मैंने आप लोग को पहले कहा कि कायदे में रहोगे तो भैया फायदे में रहोगे, तो इसलिए अब अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप लोग तक पहले पहुंचा देता है। जो यूट्यूब में बाद में होगा वो पहले ही मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइज फाइनली हम लोग का ट्वीट हो गया है, अब देखिए जल्द से सबका अर्निंग सुधर जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मनोज भैया के तरफ से वार्निंग मिला है सभी वीडियो को डिलीट करने का, लेकिन दोस्तों सब वीडियो को डिलीट करने का वार्निंग नहीं मिला है। अब कौन सा वीडियो को डिलीट करना है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। शायद से गाइज आप लोग यूट्यूब का जो वीडियो है ना, जैसे हम सब क्रिएटर्स का वीडियो आप लोग एक आध मिनट देखते हो और स्किप करके पार हो जाते हो, इसलिए गाइज आप लोग का चैनल में प्रॉब्लम आता है और आप लोग कुछ समझ नहीं पाते और बाद में क्या बोलते हो कि अरे यार ये टैग क्रिएटर्स तो कुछ बताते ही नहीं भैया। तो ऐसा बात नहीं है भाई, अगर हम लोग अपना पसीना बहाते हैं सेटअप पर तो वो भी आप लोगों के लिए, और आप लोग से हम लोग पैसा नहीं लेते, फ्री का एक व्यूज और लाइक मिलता है, वो भी आप लोग को देने में थोड़ा सा भाई कंजूसी करते हो, तो यार इतना कंजूसी मत करो, समझ रहे हो ना। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो वार्निंग क्या था। तो गाइज कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स ने, शायद से मनोज भैया ने भी वो वीडियो बनाया था कि गाइज अभी जो एक नया कानून आया है यूट्यूब पर, ऐसे बेटिंग एप्स को या फिर गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया करते थे तो आपसे सतर्क हो जाना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है इस चीजों को लेकर के, और अगर आप करते हो तो भाई जेल जाना पड़ सकता है। कि अगर आप लोग स्पॉन्सरशिप करते हो, अगर कोई बेटिंग वेबसाइट का प्रमोशन करते हो और वो अगर लीगल नहीं है, इलीगल है, तो गाइज आपके चैनल पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपका चैनल को भी परमानेंटली बैन कर दिया जा सकता है। और जिसके कारण कि गाइज अभी हमारा चैनल पे कहीं ना कहीं अर्निंग डाउन हो रहा है, तो वही आप लोग नोटिस करना कि कहीं ना कहीं वो भी रीजन है जो कि हम लोग बेटिंग वेबसाइट का अब करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी अर्निंग नहीं देगा अब YouTube, ठीक है। ये लीगल एक्शन लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप लोग को मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग के चैनल पर अगर कोई पुराना वीडियो ऐसा है जो कि पुराना आप लोग स्पॉन्सरशिप करके रखे हो, तो ये डाउट था हमारे लोगों का, कमेंट कर रहे थे, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि कार्तिक भाई बताओ जो गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है जिसमें कि बताया गया है कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट को प्रमोशन करते हैं या फिर अगर कुछ गलत हम लोग इनलीगल चीज को सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा चैनल भी बंद हो सकता है या फिर हमको कोई स्ट्राइक वगैरह भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर कुछ पेनल्टी केस भी हो सकता है, आप लोग जेल भी जा सकते हो, इतना आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो इस चीज को लेकर के बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स घबरा चुके हैं भाई, हमसे पूछ रहे थे। मैंने सोचा चलो बता देता हूँ यूट्यूब पर आकर के ही डायरेक्ट। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपके चैनल पर अभी नया कोई आप प्रमोशन कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग उसका छानबीन करो कि ये लीगल है कि नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर आप लोग ध्यान रखना, अगर वो चीज लीगल है तो ठीक है, लीगल अगर नहीं है तो थोड़ा अपने भरोसे पे करना, फिर उसके बाद कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और एक चीज बताता हूं, अगर पुराना वीडियो है इलीगल टाइप का, कुछ बैटिंग वेटिंग से रिलेटेड, ठीक है, अगर इलीगल वीडियो है और पहले ही आप लोग डाल करके रखे हो तो उसमें क्या किया जाए, फिर उस फेस में हम लोग को क्या करना है? तो गाइज उस चीज, उस दौर पर आप लोग को एक ही चीज करना है कि उस वीडियो को डिलीट नहीं करना है, उस वीडियो को कर देना है प्राइवेट जो पुराना वीडियो था। क्योंकि देखो आप लोग सोचोगे कि फिर स्पॉन्सर वाला हमसे गुस्सा जाएगा तो फिर हम लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। गाइज मैं खुद अपना जो पुराना पिछला वीडियो था वो सबको मैं धीरे धीरे प्राइवेट कर रहा हूँ, और देखो अगर स्पॉन्सरशिप वाला हम लोग से गुस्सा भी जाए तो भाई कितना दिन गुस्सा रहेगा, गुस्सा जाओ यार, एक स्पॉन्सरशिप ही नहीं दोगे ना, लेकिन हमारा चैनल जो जिंदगी भर का मेहनत है वो तो बर्बाद नहीं होगा ना। तो इसलिए गाइज मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, देखो डिलीट नहीं करना है लेकिन प्राइवेट करके छोड़ दो, क्योंकि अगर पब्लिकली
अगर कहीं चल गया और अगर आप लोग कानून के नजर में आ गए और अगर वो चीज गलत है तो भाई बहुत लेनी का देनी पड़ सकता है आप लोग को। तो इसलिए बचने के लिए मैंने एक उपाय बता दिया और ये वार्निंग वीडियो आप सभी के लिए है, खाली मेरे लिए ही नहीं है। तो मुझे तो पहले ही पता चल गया था, बहुत लोगों ने मुझे बताया, जितने भी यूट्यूबर्स दोस्त वगैरह भैया ये लोग सभी लोगों ने बताया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और गाइस और एक चीज, डिलीट कौन सा वीडियो को करना है, अगर आप लोग को लगता है कोई दोस्त से सुन रहे हो, कोई यूट्यूबर से, कोई भाई से सुन रहे हो कि नहीं ये चीज जो था ना इसमें मेरा स्ट्राइक आ गया डायरेक्ट, कोई एप्लीकेशन जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे एप्लीकेशन अगर आप भी करके रखे हो और आपका कोई दोस्त मित्र जो भी है भाई पड़ गया अगर उसको स्ट्राइक, तो गाइज वो सब वीडियो डायरेक्ट आप लोग डिलीट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी दोबारा आपको ऐसे भी स्पॉन्सरशिप देने वाली नहीं है, क्योंकि एक कंपनी आती है लूटती है और भाग जाती है, ठीक है, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाली है। तो इसलिए आप लोग को करना क्या है कि वो सब वीडियो उस फेज में डिलीट ही कर दो, क्योंकि अगर वो वीडियो प्राइवेट भी रहेगा फिर भी आपको स्ट्राइक पड़ता है, प्राइवेट वीडियो में भी स्ट्राइक पड़ता है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो उस सब फेज में वीडियो को डायरेक्ट डिलीट कर दो, आप सुरक्षित और सेफ रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग कोई वैसा वेटिंग फेटिंग का करते हो तो गाइस अब से सरकार ने एक नया नियम पारित कर दिया है, अगर आप लोग को ऐसा गलती करते हुए पकड़ा गए हो, अगर आप लोग पकड़ा गए ऐसा गलती करते हुए, तो आप लोग को जेल भी हो सकता है या फिर पेनल्टी भी भरना पड़ेगा अच्छा खासा, और या फिर आपका चैनल परमानेंटली के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही गाइज ताजा तरीन एपिसोड और अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।